हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज हम मिलेंगे संगीता सुरेश जैन से, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। कैसे सोशल वर्कर बनी, कैसे इंस्पायर हुई, उसके बारे में हम लोग जानेंगे मैम से। मैम, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैम, कुछ अब व्यूअर्स को कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने मुझे सक्सेस मंत्रा पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। तो हम लोग बैक टू बैक क्वेश्चंस के साथ मैम के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, सोशल वर्क क्या है, सोशल एक्टिविस्ट क्या होता है, कैसे सब लोगों को जुड़ना चाहिए, हम लोगों को कैसे मिलकर साथ में काम करना चाहिए, उसके बारे में संगीता मैम से हम लोग जानेंगे। मैम, अब आपसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैम, सबसे पहले जैसे कि आपका नाम बहुत फेमस है आजकल सोशल वर्क में, आप बहुत आगे रहते हो, क्या इंस्पायर करता है कि हमें भी एक सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहिए, सोशल वर्कर बनना चाहिए? सर, लोगों की प्रॉब्लम्स देख के डे टू डे में अपने आसपास में लोगों की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें देख के मुझे लगता है कि हमें लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए, और आजकल तो कोविड की वजह से इतना लोग परेशान हैं, 2 साल से हम देख रहे हैं पिछले, कि लोगों की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको देख देख के तो लगता है कि यार, जो कर सकता उनको मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। सही बात है, जैसे कि मैम ने बताया कि जो कोई मदद करना चाहता है, प्लीज़ मदद करिए, अपने आसपास में सराउंडिंग्स में मदद करिए, जितना हो सके आप अपने पॉकेट से, जो आपकी सैलरी आती है उसमें से एटलीस्ट 1% भी अगर आप किसी की। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 100 दीजिए, 1000 दीजिए, जो आप मिनिमम हेल्प कर सकते हैं। पैसों से ही हेल्प नहीं होती सर। सही बात है। हम उन्हें मेंटली उनको सपोर्ट करें, उनका किसी भी तरह हम सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली करें, मेंटली करें, हम उनको सपोर्ट दें, वो भी एक सर्विस ही है, वो भी हम लोगों की मदद ही कर रहे हैं। मेरे लिए तो यही मानना है कि पैसों की मदद से ज़्यादा अगर हम लोगों को मेंटली सपोर्ट करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। सही बात है। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था आपसे, मैम जिस तरह आप मदद करते हो, कैसे आप प्लान करते हो डे टू डे, आपका सपोर्ट कौन है यहाँ पे, लाइक आपके घर पे कोई सपोर्ट करता है? सर, सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलना चाहूँगी। सबसे बड़ा सपोर्ट तो एक लेडी के लिए उसके हस्बैंड का ही है। जब तक हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई लेडी कैसे आगे बढ़ जाएगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके बाद मेरे बच्चे, मेरी डेली लाइफ में, क्योंकि घर के काम से एक लेडी को निकल के जाना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी सोशल सर्विस के लिए। Exactly. मेरे बच्चे मेरे साथ बहुत सपोर्ट करते हैं, दोनों बच्चे मेरी हेल्प करते हैं, तभी मैं उनके साथ ही आगे बढ़ पाती हूँ, और उसके लिए मैं उनका और अपने हस्बैंड का बहुत बहुत थैंक कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। सही बात है, कुछ भी करने से पहले आपका घर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जी सर। चाहे वो बच्चों का हो, चाहे आपके हस्बैंड का हो, परिवार का सपोर्ट हर चीज़ में ज़रूरी है। मैम, ये इंस्पिरेशन आपके अंदर आया क्या, सोशल वर्क क्या है वैसे? मैम, सर सोशल वर्क कुछ भी नहीं है, लोगों की एक मदद करना। मुझे लगता है हम अपनी डेली लाइफ में, मैं ही नहीं, आप हो सर, कोई भी है, अपनी डेली लाइफ में हम रोड पे चलते हुए भी लोगों को देखेंगे ना, तो हमें वहाँ पे भी लगेगा अगर कोई गिर रहा हम उसे पकड़ के उठाते हैं, तो मेरे लिए तो वो भी एक सोशल वर्क है। हम किसी की मदद कर रहे हैं। अब वो मदद करने का अपना अपना एक आइडिया है कि हम कैसे मदद करना चाहें। मुझे लगता है जैसे अभी इस टाइम पे लोगों को भूखा बहुत रहे, मुझे लगता है यार सब मिल के अगर अपने 4 फुल्कों में से 1 फुल्का लोगों को देने लग जाए तो इंडिया में सबका ही पेट भर जाएगा। सही बात है, सही। इंडिया में क्या, पूरे विश्व में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। तो मेरा मेन मोटिव तो यही है, एटलीस्ट सबको खाना तो मिले। सही बात है मैम। मैम, अगला क्वेश्चन मेरा ये था आपसे, जैसे आप काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हो और आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो सोशल वर्क के रिगार्डिंग, आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे, कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं कि मुझे भी कुछ करना है? एक होता है ना, एक प्लेटफॉर्म होता है, एक जगह होता है, एक जरिया होता है जिससे लोग जुड़कर आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा आप कॉन्टैक्ट नंबर इस लिंक पर ले सकते हैं, और मैं चाहूँगी सबको जुड़ना चाहिए, जिस भी लेवल पर हम लोगों की मदद कर सकें सर, उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। सही बात है। चाहे हम किसी भी तरह करें, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा एक सपना है बहुत बड़ा, मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारी गरीब लड़कियों की शादी करवा पाऊँ। क्या बात। अगर सब मुझसे जुड़ेंगे तो एक दिन मैं ये सपना भी जरूर पूरा करूंगी। क्या बात है। और यही सोच के मुझे लगता है कि अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो मोस्ट वेलकम, हम सब इकट्ठे होंगे, एक हाथ एक ही, और अगर हम सब मिल जाएंगे तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। सही बात है। मैम का सपना बहुत अच्छा है कि भगवान करे पूरा हो ये सपना। थैंक यू। गरीब लड़कियों की ये शादी करवाना चाहती है। वैसे मैं आपको कहना चाहूंगा, मैम पहले भी काफी लड़कियों की शादी करवा चुकी है कुछ संस्थाओं के साथ जुड़कर। मैम बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हो और आपकी सोच बहुत अच्छी है। भगवान करे आप आगे तक सक्सेसफुल हो इस लाइन में।
मैम मेरा एक और क्वेश्चन आपसे था कि मैम वो सोशल जो अंदर से होता है ना मैम, एक अंदर से वो आना चाहिए, फील आना चाहिए, वो कैसे आता आपके अंदर कि हाँ मुझे ये चीज करनी है? सर मैं देखती थी मदर टेरेसा जी का कि वो कैसे बच्चों की मदद करती हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके भोजन के लिए उन्होंने इतनी मदद की लोगों की। मुझे अपने अंदर से लगता था यार हम वो तो नहीं बन सकते, पर हम उनसे कुछ इतना भी सीख पाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। सही बात। उनसे प्रेरणा लेके मैंने धीरे 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 फिर अपने हस्बैंड को बताया कि मेरी इच्छा इस तरह सोशल सर्विस में कुछ जाने की। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने मुझे बोला नहीं आपकी इच्छा है तो जाओ करो। वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं और मैं इस तरह एक संस्था से जुड़कर काम कर भी रही हूँ, आगे भी बढ़ रहे हैं हम लोग चाहते हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खाना खिला पाएँ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्टेशनरी बच्चों को डोनेट कर पाएँ, कपड़े पहुँचा पाएँ लोगों की मदद के लिए, जो हम कर सकते हैं ज़्यादा वो मैं चाहती हूँ करना। आप लोग प्लीज़ हेल्प कीजिए, मेरे लिए मत कीजिए, अपने ही लिए कीजिए, अपने आसपास ही मदद कीजिए। हर इंसान एक इंसान की मदद करेगा तो बहुत लोगों की मदद हो जाएगी। सही बात है, मैम ने बहुत अच्छा बोला कि हम कोई भी लेवल में मदद कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा पुराने कपड़े हो आपके घर में, आप आसपास में बांटना चाहते हो वो भी आप बांट सकते हो, आपके घर पे कोई बचा हुआ खाना हो आप गरीबों को दे सकते हो, आप अपने बच्चों की बुक्स ही दे दीजिए, किसी गरीब बच्चे को, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे लिए वो नेक्स्ट ईयर यूजलेस है। करेक्ट। हम नेक्स्ट ईयर वो बुक किसी गरीब बच्चे को दे दें तो उस बच्चे का कितनी हेल्प हो जाएगी। जो बच्चा बुक्स के लिए अगर पढ़ाई के लिए रह जाए तो उससे हल्की बात हमारे देश के लिए क्या होगी। अगर हम उनको बुक्स ही दे के हेल्प कर पाए तो वो भी तो एक सोशल सर्विस है। आप लोग करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। एक मैम ने बहुत अच्छी बात बताई कि वो सोशल सर्विस करने के बाद जो फील अंदर से आता है ना, एक कहता है कि हमने इतना अच्छा काम किया, भगवान ऊपर से देख रहा है, आप जो भी अच्छा काम करते हो सब कहते हैं ना बुक्स में लिखा जाता है, भगवान के भी मंदिर में बुक्स होते हैं और वहाँ पे आपके अच्छे कर्म लिखे जाते हैं। आप एक दिन कोई हेल्प करके देखिए किसी की, बहुत अच्छा, आप उस दिन कहोगे कि वाकई में संगीता जी आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई कि मैंने किसी की मदद की और मेरा दिल इतना संतुष्ट था, मतलब उस जैसी नींद मुझे कभी नहीं आती जिस दिन मैं किसी की हेल्प करने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और मैं आपको बताऊं ये बैक टू बैक खाना भी बंटवाती हैं और काफ़ी ब्लाइंड बच्चों की भी मदद करती रहती हैं, तो काफ़ी एरिया ऑफ इंटरेस्ट इनका है, तो आप लोग भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, जुड़ सकते हो कि सोशल सर्विस क्या है, सोशल वर्क क्या है, हम कैसे मदद कर सकते हैं। और जो भी इनके दरवाजे पे, चाहे वो राशन मांगने आता हो, चाहे कोई भी गरीब बंदा भी इनके घर पे आता हो, निस्वार्थ भाव से इनके हस्बैंड और ये हमेशा तैयार रहते हैं और ये हो सकता है। और ये चीज गुप्त दान है ना कि ये बताती हैं किसी को, वो तो हमें पता लग जाता कि अच्छा ये भी करती हैं, तो ये सारी चीजें तो मैम के सीक्रेट से जो ये बताती नहीं है, बट हाँ हम लोग निकाल लेते हैं ये सारी चीजें। नहीं मैं ये चाहती हूँ सर, मैं जितना लोगों की मदद कर सकूं, मैं बहुत कुछ नहीं कर पाती, जितना मैं कर सकती हूँ, जितना मेरे हाथ में है, मैं किसी को मना ना करूं। कोई मेरे पास आया है तो बहुत कुछ सोच के आया होगा, होप लेके आया होगा कि मे बी मुझे यहाँ से हेल्प मिले। सही बात। अगर मैं उसे मना कर दूंगी सर तो मुझे लगता है मेरी तो जीवन ही बेकार है। कहते तो उनकी मदद करूंगी तो मुझे अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिलते कि मैं अपनी लाइफ में भगवान ने भेजा है तो मैं कुछ कर पा रही हूँ। सही बात है, मैम ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम लोग कहते हैं ना कि मरने से पहले कोई अच्छा काम करें, कि हम जाने से पहले दुनिया से लोग आपको याद करें कि हाँ ऐसा कोई था, ऐसे कोई थी जो मुझे इतना हेल्प करती थी ना, सपोर्ट करती थी। तो प्लीज़ आप लोग को भी मैं गुजारिश करूँगा और मैम से भी, मैम इतना अच्छा काम कर रही है, आप लोग भी उनको देखकर इंस्पायर हो सकते हो, एक मोटिवेशन लेवल क्रिएट होता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मैम के काम को देखकर और मैं भी जितना हो पाता है मैम के साथ और हम सब लोगों के समाज के साथ हम लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर टाइम टुडे, थैंक यू फॉर कमिंग टू सक्सेस।